हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में देखें कैसे हम मूवी के इंग्लिश सब टाइटल से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे जो कि मूवी में यूज़ होते हैं। काफ़ी यूज़फुल सेंटेंसेस हैं, इन्हें हम आपको हिंदी में बताएंगे और बताएंगे कैसे आप इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं फ्रेंड आज की वीडियो, जिसमें कि हमारा आज का पहला सब टाइटल है हाउ कैन आई कन्वेंस देम ऑल, मैं उन सबको कैसे समझा सकता हूँ। हाउ कैन आई कन्वेंस देम ऑल, तो फ्रेंड हमें इससे सीखने को मिलता है पहला वर्ड कन्वेंस। कन्वेंस मतलब किसी को समझाना है, मनाना तो मतलब समझाना किसी को कुछ करने के लिए। तो हाउ कैन आई कन्वेंस देम ऑल, मैं उन सबको कैसे समझा सकता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, ये बोल रहा है मेरी माँ ये सुन के बहुत ज़्यादा गर्व करती, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे माई मदर वुड हैव बीन सो प्राउड टू हेयर दैट, माई मदर वुड हैव बीन सो प्राउड टू हेयर दैट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, मैंने भी इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है, आई हैव वेटेड फार टू लॉन्ग फॉर दिस डे, आई हैव वेटेड फार टू लॉन्ग फॉर दिस डे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, ये बोल रहा है अगर तुमने मुझे ज़िंदा छोड़ दिया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। तो फ्रेंड इसे इंग्लिश में बोलेंगे, जो कि बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस है, इफ़ यू लेट मी अलाइव, अगर तुम मुझे ज़िंदा छोड़ दो, इफ़ यू लेट मी अलाइव इट वुड बी योर बिगेस्ट मिस्टेक, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट डू आई हैव टू डू। इस सीन में क्या होता है, ये जेल से बाहर जाने की बात करता है कि यहाँ से हम भाग जाएंगे, तो उस पर पूछता है कि ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा। जब भी आप किसी की सिचुएशन में पूछते हो कि मुझे क्या करना होगा, क्या करना पड़ेगा, तो उसकी सिचुएशन में आप बोलोगे व्हाट डू आई हैव टू डू, व्हाट डू आई हैव टू डू। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, अगर यह तुम्हारी कोई नई चाल हुई तो इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इफ़ दिस इज अनदर ऑफ योर ट्रिक्स, इफ़ दिस इज अनदर ऑफ योर ट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, अब इतवार तक का इंतज़ार करते हैं, नाउ वी वेट टिल सैटरडे, नाउ वी वेट टिल सैटरडे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, क्या वो मेरे लिए हैं, आर दोज फॉर मी, आर दोज फॉर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, इस पर ये बोल रहा है रोमा, जो कि इस लड़की का नाम है, कह रहा है रोमा याद है तुमने एक बार मुझसे कहा था कि, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे रोमा रिमेंबर यू वंस टोल्ड मी दैट। रोमा जो कि गर्ल का नाम है, इस लड़की का नाम है, बोल रहा है याद है तुमने एक बार मुझसे कहा था, तो इस इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड रिमेंबर यू वंस टोल्ड मी दैट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, तुम्हारा फ़ोन दोबारा बज रहा है, तो इससे बोल रहा है कि तुम्हारा फ़ोन दोबारा बज रहा है, दैट तो इस इंग्लिश में बोलेंगे दैट योर फोन इज़ रिंगिंग येट अगेन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, वे एक साथ क्या कर रहे थे, व्हाट वर दे डूइंग टुगेदर, तो यहाँ किससे कॉल पे बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि दो जो अपराधी हैं जो जेल से भागे हुए हैं, तो बता रहा है उनके बारे में, तो पूछ रहा है कि दोनों मतलब वे एक साथ क्या कर रहे थे, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वर दे डूइंग टुगेदर, व्हाट वर दे डूइंग टुगेदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, इसमें बोल रहा है ये तो तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि मैं एक अच्छा आदमी, तो इसी इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ योर गुड फॉर्च्यून दैट आई एम अ नाइस गाय, तो फॉर्च्यून मतलब यहाँ पर फ्रेंड भाग्य से है, तो इट इज़ योर गुड फॉर्च्यून दैट आई एम अ नाइस गाय, ये तो तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, एक तरफ हो जाओ सर, तो स्टेप असाइड। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, करो जो तुम्हें करना पड़े, डू वट एवर यू हैव टू डू, दीवान करो जो तुम्हें करना पड़े, डू वट एवर यू हैव टू डू। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, करो जो कुछ भी तुम्हें करना पड़े, मैंने सुना है तुम्हें काम के आदमी, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव हर्ड यू आर अ यूजफुल मैन, आई हैव हर्ड यू आर अ यूजफुल मैन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, मैं चाहता हूँ यह जल्द से जल्द हो, किसी काम की बात कर रहा है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट इट डन एज सून एज पॉसिबल, आई वॉन्ट इट डन एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, मैं तैयार हूँ तुम्हें देने के जो तुम चाहते हो, ये कह रहा है कि मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ जो तुम चाहते हो, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम विलिंग टू गिव यू व्हाट यू वांट, आई एम विलिंग टू गिव यू व्हाट यू वांट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, तुम बिल्कुल ऐसा ही करना जैसा वो तुमसे करवाना चाहता है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू विल डू एग्जैक्टली एज ही वॉन्ट्स यू टू डू, तुम बिल्कुल ऐसा ही करोगे जैसा वो तुमसे करवाना चाहता है, यू विल डू एग्जैक्टली एज ही वॉन्ट्स यू टू। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, जब तक डॉन को इसका पता चलेगा, बाय द टाइम डॉन फिगर्स इट आउट, बाय द टाइम डॉन फिगर्स इट आउट, वह मर चुका होगा, ही विल बी डेड। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, यह सिर्फ एक पास की के द्वारा ही खुल सकता है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड इट कैन ओनली बी ओपन बाय अ पास की, इट कैन ओनली बी ओपन बाय अ पास की। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, मेरी अगली कॉल तक वहीं रहना, स्टे देयर अंटिल माई नेक्स्ट कॉल, स्टे देयर अंटिल माई नेक्स्ट कॉल। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, मुझे लगता है तुम्हें अपना इरादा बदलना पड़ेगा, आई थिंक यू विल हैव टू चेंज योर इंटेंशन, आई थिंक यू विल हैव टू चेंज योर इंटेंशन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, क्या तुम भूल गए कि उसे तुम्हें मारने के लिए भर्ती किया गया था, हैव यू फॉरगॉटन दैट ही वॉज हायर्ड टू किल यू। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, डॉन के दुश्मनों को हमेशा याद रखना चाहिए कि डॉन कभी नहीं भूलता, डॉन एनिमीज शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट डॉन नेवर फॉरगेट्स, डॉन्स एनिमी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट डॉन नेवर फॉरगेट्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, यह तो है जिसका हमें पता लगाना पड़ेगा, दैट्स
वॉट वी हैड टू फाइंड आउट, दैट्स वॉट वी हैव टू फाइंड आउट। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी है जो कि कुछ टाइम बाद अपलोड किया जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।